Hi friends, welcome to the desk. Deva English Spoken Class. Friends, until और unless इन दोनों words जो है जो preposition है इनमें काफ़ी confusion रहता है. काफ़ी students इन दोनों के इस्तेमाल करने में confused रहते हैं. हमेशा problem होता रहता है कि किस तरह के sentences में हम until का इस्तेमाल करेंगे और किस तरह के sentences में हम unless का इस्तेमाल करेंगे. कन्फ्यूज़न इसलिए होता है क्योंकि इनका हिंदी में जो अर्थ होता है दोनों का सेम ही होता है लगभग, इसलिए इंग्लिश सेंटेंस बनाने में कन्फ्यूज़न होता है. ओके फ्रेंड्स, तो हम दोनों के अंतर को समझते हुए हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे सेंटेंसेस के द्वारा, एग्जांपल्स के द्वारा. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, अनटिल, सबसे पहले हम अनटिल पर गौर करेंगे. अनटिल मतलब होता है जब तक नहीं या कोई काम होने तक. ओके फ्रेंड्स, मीन्स कि जब तक कि ये नहीं हो जाता फिर वैसा नहीं होता. ये अनटिल का जो इस्तेमाल है, अनटिल का इस्तेमाल हमेशा समय के साथ होता है. अनटिल का इस्तेमाल जिस सेंटेंस में होता है उस सेंटेंस में समय का चर्चा रहता है. और अनटिल वाले सेंटेंसेज में एक समय के बाद काम पूरा होने की उम्मीद होती है, यानी कि काम के होने की उम्मीद होती है. ओके फ्रेंड्स, वही अनलेस में ऐसा नहीं होता है. तो अनटिल वाले सेंटेंसेस को हम बनाते हुए समझते जाते हैं. ओके फ्रेंड्स, जैसे कि घर पहुंचने तक मैं अपना फ़ोन साइलेंट में रखता हूं, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं अपना फ़ोन साइलेंट में रखता हूं जब तक कि मैं घर नहीं पहुंच जाता. ओके फ्रेंड्स, घर पहुंच जाने के बाद मैं ऑन कर देता हूं, मतलब एक समय के बाद वो काम हो जाता है, यानी कि होता है, होने की उम्मीद रहती है. ओके फ्रेंड्स, मतलब ऐसा नहीं है कि वो काम होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा तभी होगा, नहीं, एक समय के अंतराल के बाद वो काम होता है. आई कीप माई फोन साइलेंट अनटिल आई रीच होम. मैं काम पर नहीं जा सकता जब तक कि मैं ठीक ना हो जाऊँ. या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं काम पर तब तक नहीं जा सकता जब तक कि मैं ठीक नहीं हो जाता. ओके फ्रेंड्स, हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं, बट इंग्लिश हम अनटिल लगाकर ऐसे बनाएंगे. आई कांट गो टू वर्क अनटिल आई गेट वेल. अगर अनटिल वाले सेंटेंसेस में दो सेंटेंसेस हो और एक सेंटेंस उसमें फ्यूचर टेंस में हो, यानी कि दोनों ही सेंटेंस अगर फ्यूचर टेंस में हो, तो उसका जो पहला सेंटेंस है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों के अनुसार बनता है. ओके फ्रेंड्स, जब तक मैं नहीं आऊँगा मत जाना. डोंट गो अनटिल आई कम. यहाँ पर अनटिल आई कम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने इस्तेमाल किया. ओके फ्रेंड्स, अगर हम दोनों टेंस को फ्यूचर टेंस में रखते हैं, अगर हम दोनों सेंटेंसेस को फ्यूचर टेंस में रखेंगे, तो जैसे जब तक मैं नहीं आऊँगा तुम नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो अनटिल आई कम. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी तरह के सेंटेंसेज में अनटिल का इस्तेमाल होता है. अगर हम पास्ट वाले सेंटेंस भी बोलेंगे तो उसमें भी हम, लेकिन पास्ट वाले सेंटेंसेज में हम इंग्लिश में भी पास्ट अगर इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट का ही इस्तेमाल करेंगे. ओके फ्रेंड्स, जैसे जब तक वो नहीं आया मैं नहीं गया, आई डिडंट गो अनटिल ही केम. जब तक राम नहीं आएगा मैं नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो अनटिल राम कम्स. जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहीं रहूँगा, I'll stay here until you come. जब तक मेरा भाई मेरे साथ नहीं था तब तक मैं मजबूर था. Until my brother was not with me, I was helpless. जब तक डॉक्टर आपको नहीं बुलाता तब तक आप यहीं रहे. You stay here until doctor calls you. ओके फ्रेंड्स, इस तरह के इस्तेमाल होते हैं अनटिल के. अभी हम समझेंगे अनलेस. ओके फ्रेंड्स, तो अनलेस ऐसा प्रीपोजिशन है जिसका इस्तेमाल हम जब तक नहीं या अगर नहीं के लिए करते हैं. ओके फ्रेंड्स, जैसे अगर हम बोलते हैं कि जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे, तो यहाँ पर हम दो तरीके से बना सकते हैं. हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर आप कठिन मेहनत नहीं करेंगे तो आप पास नहीं होंगे. इफ यू डोंट डू हार्ड वर्क यू विल नॉट पास. इसको हम अगर अनलेस लगाकर बनाते हैं, यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड. ओके फ्रेंड्स, अनलेस का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है कि एक अंतराल के बाद काम होने की उम्मीद होती है.
एक्सेप्शनल होता है। एक्सेप्शनल का मतलब होता है कि अपवाद, मीन्स वो काम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एक्सेप्शनल होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि मैं ऑफिस में कॉल नहीं उठाता जब तक कि अर्जेंट ना हो। ओके फ्रेंड्स, मैं ऑफिस में कॉल नहीं उठाता जब तक कि अर्जेंट ना हो। तो यहाँ पर क्या है कि मैं कॉल नहीं उठाता, मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं कॉल नहीं उठाता। हाँ, अगर कोई अर्जेंट है तभी उठाता हूँ, वरना नहीं उठाता हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक समय के बाद काम होने की उम्मीद रहती है। एक्सेप्शनल होता है कि ऐसा अगर होगा तो ही ऐसा होगा, अगर ऐसा अगर होता है तो ही ऐसा होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे कि आई डोंट पिक कॉल अनलेस इट इज़ अर्जेंट। मैं किसी रिश्तेदार के घर नहीं जाता जब तक कि कोई अर्जेंट ना हो। आई डोंट गो टू एनी रिलेटिव्स हाउस अनलेस इट्स अर्जेंट। ऐसे सेंटेंसेस को हम इफ लगाकर भी बना सकते हैं। हिंदी में बोलने का तरीका यह है कि मैं किसी भी रिश्तेदार के घर नहीं जाता अगर कोई अर्जेंट ना हो। आई डोंट गो टू एनी रिलेटिव्स हाउस इफ इट इज नॉट अर्जेंट। अगर हम इफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर अनलेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है। जब तक मेरा तनख्वाह नहीं बढ़ जाता तब तक मैं काम पर नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो टू वर्क अनलेस आई गेट अ पे हाइक। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई विल नॉट गो टू वर्क इफ आई डोंट गेट पे अ हाइक। जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे तब तक तुम रेस नहीं जीत सकते हो। यू कांट विन द रेस अनलेस यू एक्ट अपॉन माई एडवाइस। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यू कांट विन द रेस इफ यू डोंट एक्ट अपॉन माई एडवाइस। आप चेस नहीं जीत सकते जब तक कि आप इंटेलिजेंट ना हो। यू कांट विन द चेस अनलेस यू आर इंटेलिजेंट। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यू कांट विन द चेस इफ यू आर नॉट इंटेलिजेंट। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि अनटिल और अनलेस का जो कॉन्सेप्ट है अभी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, जितना भी कन्फ्यूजन होगा दूर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन आपके मन में बाकी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम उसको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्त, इतना समझ लेना ज़रूरी है कि अनटिल का इस्तेमाल जिस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं उस सेंटेंस में एक समय के बाद यानी एक समय के अंतराल के बाद काम होने की उम्मीद रहती है, लेकिन अनलेस वाले सेंटेंसेस में एक समय के बाद काम होने की उम्मीद नहीं होती, बल्कि उसमें एक एक्सेप्शनल होता है कि अगर ऐसा होता है तो वैसा होगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया ना कि मैं तब तक किसी रिश्तेदार के घर नहीं जाता जब तक कि अर्जेंट ना हो, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी रिश्तेदार के घर नहीं जाता सिवाय इसके कि कोई अर्जेंट हो। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए और किसी भी एक दोस्त को वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे और आप घर बैठे इंग्लिश सीखते रहें। तो अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्ले लिस्ट लिखा नजर आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्ले लिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्ले लिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्ले लिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना।